तो हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग नाव पे आ चुके हैं जो बगा बिरुआ मंदिर पे स्थित है ये नाव। और ये नदी है, आमी नदी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था है। तो आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन उधर थोड़ा दिखाइए, देखिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे निषाद समाज के लोग नदी को बांध कर, जिसको बोलते हैं बन्हानी बांधना भोजपुरी भाषा में, तो आप लोग देख सकते हैं बन्हानी बांध करके और लोग मछली को पकड़ते हैं। और बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों यहाँ पर पे। तो आप लोग अगर घूमना चाहते हैं या मछली खाने का आप लोगों का विचार है और आप गोरखपुर ज़िले या कौड़ीराम से हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और बहुत ही शानदार यहाँ पे ताज़ी ताज़ी मछलियाँ मिलती हैं, जो यहाँ के मतलब जो भी मछली निकालते हैं, हमारे परिचय के जो भी हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो मेरा नाम बता सकते हैं। मेरा नाम रामोतर साहनी है और यहाँ पे सोमनाथ भैया भी रहते हैं, जो हमको अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे गांव के बगल वाले गांव से हैं। तो आप लोग अगर मछली खाना चाहते हैं तो इस बन्हानी पे आ सकते हैं और सस्ती और ताज़ी मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं। तो आप लोग एक बार इस बन्हानी पे ज़रूर आइए और अपने मनपसंद मछली यहाँ से ले जा सकते हैं। और इस बार हम लोग बस यहाँ पे आए हैं इसी वीडियो को कवर करने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, मज़ा लेते रहिएगा। और थोड़ा एक बार फिर से आप लोग उधर दिखा दीजिए कि किस तरीके से हमारे निषाद समाज के लोग नदी को बांध करके मछली को मारते हैं। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं और बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है। और इसमें एक लोग नहीं, सोमनाथ भैया के साथ साथ कई सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं। जुड़े होने के बाद सभी लोग मिल करके काम करते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये लोग मछली को पकड़ते हैं और मार्केट में ले जा करके बेचते हैं। तो अगर यहाँ पे आप लोग आएंगे तो ताज़ी ताज़ी मछलियाँ आप लोगों को मिलेंगी खाने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे आइए और अच्छे दाम में यहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं, आप लोग ले करके जाइए और आप अपने घर पे बनाइए और खाइए। और इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक बार निषाद समाज के नाम पे आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए और यहाँ पे आए हुए हैं। और ये बगा बीर बाबा मंदिर कौड़ीराम में जो आमी नदी है, उस नदी में ये बंधक बांधा गया है और बांध करके मछलियों को निकाला जाता है यहाँ से। तो आप लोग वीडियो को पूरा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जो भी हमारे निषाद समाज से लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे निषाद समाज को एक नई दिशा मिल सके। और आप लोग हमारे निषाद समाज को सपोर्ट करिए, क्योंकि सभी लोग, निषाद समाज हुआ चाहे कोई भी समाज हुआ, सभी लोग अपने अपने समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने निषाद समाज को सपोर्ट किया जाए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि हमारे निषाद समाज के जो भी भाई लोग हैं, जो भी चाचा दादा काका भैया भौजी जो भी लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग मिल सके, सपोर्ट मिल सके। अगर सभी लोगों का एक साथ सहयोग और सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप लोग दिखाते रहिए, कैमरामैन नदी को आप लोग दिखाइए किस तरीके से नदी है, कितना चौड़ा नदी है। पूरे नदी को हम लोग कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आने वाले कल के युवा नेता राम जन्म जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा उधर दिखाइए राम जन्म जी को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आने वाले कल के युवा नेता राम जन्म जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और राम जन्म जी का सपोर्ट करिए ताकि आने वाले कल में हम लोगों का भविष्य कुछ अलग हो सके, समाज सेवी। और अपने निषाद समाज के और चाहे पूरे समाज के समाज सेवी राम जन्म जी, युवा नेता विधानसभा बास गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए। और फेसबुक पे इनकी आईडी है राम जन्म निषाद उर्फ गब्बर सिंह गब्बर जी के नाम से। तो आप लोग इनके आईडी को फॉलो करिए फेसबुक पे। और हमारे यूट्यूब चैनल श्री गणपति म्यूजिक वर्ल्ड एवं प्रमोद निषाद म्यूजिक वर्ल्ड को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और वीडियो को देखते रहिए, और इस चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, जो मस्ती ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शेयर करिए, तभी हमारे निषाद समाज के लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग भी कुछ करने के लिए ही यूट्यूब पे चैनल बनाए हैं, और अपने निषाद समाज के विषय में बहुत सारी जानकारी हम लोग देंगे इस वीडियो में। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हम लोग बता दें कि हम लोग इस वीडियो पे बहुत सारा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो आप लोग देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से हम लोगों को ढेर सारा प्रोत्साहन मिलता है, ढेर सारा उम्मीद मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट का हम लोगों को इंतज़ार रहता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। अभी वीडियो लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे तो बहुत देखिए भाई लोग, अभी मैं अपना भाषण स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हम लोग नदी के बीच में हैं और इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं, और पहले भी वीडियो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये नाव है हमारा समाज का, और हम नाव पे खड़े हैं और ये वीडियो को हम बना रहे हैं। देखिए, ये पूरी नदी है और यहाँ पे मछलियाँ मारी जाती हैं, और देखिए ये सब रस्सी बांधा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ रस्सी के माध्यम से ये नाव हम लोग बीच में ले करके जाते हैं आराम से। हमारा ये पार्टनर है, ये पार्टनर को देखिए, आप लोगों को मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये पार्टनर को आज मेरे साथ में पार्टनर आया हुआ है, देखिए युवा नेता भाई राम जन्म निषाद। हम लोग कर्म से मल रहा है, और जो कुछ मल रहा है देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। सब मछली मारने वाले हैं लोग, और ये लोग मछली मार के और जाके वहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनको देखिए नाव में बैठे हैं। पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग देखिए ये नाव में क्या। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने गांव घर के नाव में बैठे हुए हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये आपके भी गांव घर का नाव हो, क्योंकि हम लोग सभी लोग निषाद समाज से हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि ये गोरखपुर जिला के कौड़ी राम के बगाबीर मंदिर के स्थान पर ये नदी सट करके गई हुई है, जो जा करके राप्ती नगर से राप्ती नदी से मिलती है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मस्ती चैनल मस्ती ऑफिशियल एवं श्री गणपति म्यूजिक वर्ल्ड एवं प्रमोद म्यूजिक वर्ल्ड को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि प्रमोद म्यूजिक वर्ल्ड जो है उस पर निषाद समाज का गाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो निषाद समाज का अगर आप गाना पसंद करते हैं तो प्रमोद निषाद म्यूजिक वर्ल्ड को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे श्री गणपति म्यूजिक वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो कौड़ी राम में उपस्थित है, गोडसरी में। तो आप लोग अगर किसी भी भाई को गाना रिकॉर्ड करवाना हो या किसी प्रकार का प्रचार प्रसार बनवाना हो, तो आप लोग हमारे स्टूडियो गोडसरी पे श्री गणपति म्यूजिक वर्ल्ड पे आ सकते हैं, जो ग्राम सभा गोडसरी में स्थित है, बांसगांव वाले रोड पे। तो आप लोग आइए और अपना प्यार। और देखिए नदी का पानी का लहर, देखिए अब नदी का पानी किस तरीके से स्पीड पकड़ रहा है, मछली मारने का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। तो देखिए फाइनली हम लोग अब चल रहे हैं घर, और वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। ये मेरा पार्टनर है और हम लोग घर चल रहे हैं, क्योंकि बाकी काफ़ी देर हो चुका है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो भाई लोग, नेटवर्क नहीं था इसलिए शॉर्ट वीडियो नहीं बना, और हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।